हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जी के फॉर एग्जाम। आज हम बात करेंगे 20 बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो RRB NTPC JEE जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम और SSC CHSL CGL दोनों इन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ वुमेन ब्रेन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम इसका आंसर होगा। और वेट कितना होता है एडल्ट वुमेन ब्रेन का, ये होता है 1300 से 1400 ग्राम के आसपास, लगभग 3 पाउंड्स लगभग। तो वेट एडल्ट ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है 1300 से 1400 ग्राम, 3 पाउंड्स के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर इन ए ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर इज फाउंड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना। जो लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट की SI यूनिट बताना आपको। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देना, लेटेंट हीट की SI यूनिट का बताना है आपको आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम टाइप से, तो इसका अपने को आंसर बताना है। तो पोलिनेशन बाय एनिमल्स, तो इसको क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बाय एनिमल्स इसको बोलते हैं जूफिली। तो फर्स्ट का फर्स्ट ही हो जाएगा। उसके बाद पोलिनेशन बाय बर्ड्स इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, तो सेकंड का सेकंड हो जाएगा। उसके बाद पोलिनेशन बाय वाटर इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, तो 1 2 के बाद कौन सा आएगा, 4 आएगा, ये डी वाला, मतलब इधर से ये गिन रहा है अपन 1 2 4, तो ये 4 इधर वाला हो जाएगा। उसके बाद पोलिनेशन बाय बेट इसको क्या बोलते हैं, चीरोप्टेरोफिली, तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। मतलब क्या आंसर होगा, 1 2 4 3 इसका आंसर हो जाएगा, 1 2 4 3 मतलब ए वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम टाइप से, ये इसका अपने को बताना है। तो माइकोलॉजी क्या होता है, माइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंगी, तो मतलब फर्स्ट का ए का क्या हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो 2 हो जाएगा। हर्पेटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ स्नेक्स। हर्पेटोलॉजी में क्या करते हैं अपन, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस रेप्टाइल्स आता है। यहाँ पे क्या दिया, स्टडी ऑफ स्नेक्स दिया, तो ये हो जाएगा 4। और एच थियोलॉजी मीन्स इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फिशेस, तो इसका आ जाएगा 1। तो 3 2 4 1 इसका आंसर होगा, 3 2 4 1 मतलब फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने को मैच करना, तो इसमें वही तरीके से करेंगे अपन, ABCD लिख लेंगे। तो इसमें हेलमिंथोलॉजी क्या होता है, हेलमिंथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बॉर्न्स, तो सेकंड आ जाएगा ए का। एंटोमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, तो इसका बन जाएगा। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो ये अपन ने ऊपर देख ही लिया एक, तो ये 4 हो जाएगा। और फिकोलॉजी क्या होता है, फिकोलॉजी ये होता है स्टडी ऑफ एल्गी, तो ये हो जाएगा 3rd। तो 2 1 4 3 इसका आंसर होगा, 2 1 4 3 मतलब बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें अपने को क्या करना है, मैच करना है बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से विद प्लेस, ये अपने को मैच करना है। तो इसमें ये दिया है आपको, जैसे कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, ये है लखनऊ में। तो सेकंड साल सबसे पहले जाएगा। उसके बाद सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे, ये है शिमला में, तो फर्स्ट हो जाएगा। तो 2 1 होगा, 2 1। उसके बाद क्या दिया है, सेंट्रल रिसर्च, जैसे 2 1 होगा वहाँ पे, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का क्या है, फर्स्ट वाला। और सेंट्रल रिसर्च राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे, ये है कटक उड़ीसा में, तो इसका तो 3rd का 3rd ही हो जाएगा। और सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून उत्तराखंड में, तो 4 हो जाएगा। तो 2 1 3 4 इसका आंसर होगा, 2 1 3 4 मतलब फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नंबर ऑफ चैम्बर्स फाउंड इन द हार्ट ऑफ बेल, तो कितने होते हैं नंबर ऑफ चैम्बर इन द हार्ट ऑफ बेल, तो ये होते हैं 4। बर्ड्स में और बेल मेमल्स में कितने होते हैं चैम्बर, 4 होते हैं, बर्ड और मेमल में 4 होते हैं। और फिश में कितने होते हैं, फिश में टू होते हैं। और एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 होते हैं, तो ये याद रखना। लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है उसमें 4 होते हैं, तो ये याद रखना। देखो, फिश में 2 होते हैं,
मेमल्स और बर्ड्स में चार होते हैं, और एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में थ्री होते हैं, लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है उसमें चार होते हैं, तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, मेमल्स रिस्पायर वाय, तो इसका आंसर हो जाएगा लंग्स, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा लंग्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, बी वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस कम्स आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस रिलीज हो होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ए वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 12th नंबर, इन फोटोसिंथेसिस, तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है क्या सही है। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, तो मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये हो गया। अब अपन बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की फोटोसिंथेसिस की, तो क्या होता है 6CO2 + 12H2O और ये लाइट की प्रेजेंस और क्लोरोफिल आएगा, नीचे नीचे क्लोरोफिल आएगा, तो क्या बनता है, इसमें बनता है C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, तो ये बनता है 6O2 6H2O और C6H12O6, तो ये बनता है। तो यहाँ पर ये देखो, अब मैंने बताया था CO2 एसेंशियल होता है ये बताया था, और रिलीज़ क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तो अपन ऊपर जो क्वेश्चन देखे तो इससे पता चल रहा है, तो ये हो गया इक्वेशन, ये है उसकी फोटोसिंथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइट आर स्ट्रॉन्गली एब्जर्व्ड बाय प्लांट्स, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा ब्लू एंड रेड, बी वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ब्लू एंड रेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर, फिलोम इन प्लांट्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फिलोम, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम के बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ जाइलम, तो इसमें से बताना है कौन सा सही है या दोनों सही है गलत कौन सा है, ऐसा बताना। तो एक जाइलम का फंक्शन क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, तो ये तो सही है, सेकंड दिया है कंडक्शन ऑफ मिनरल्स, तो ये भी सही है, तो दोनों सही है, ये जाइलम का फंक्शन ये होता है प्लांट्स के अंदर, तो ये दोनों सही है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला बंड एंड टू, बोथ आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड, सी वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। उसके बाद एक क्वेश्चन है 18th नंबर, व्हाट इज़ MRI, तो आपको पता है MRI टेस्ट तो आपको पता ही होगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है MRI का, तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल इज स्टोर्ड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा गाल ब्लेडर, और बाइल प्रोड्यूस किसके द्वारा की जाता है, बाइल प्रोड्यूस्ड बाय लीवर और बाइल इज स्टोर्ड इन गाल ब्लेडर, तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द शुगर प्रेजेंट इन DNA इज, तो इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोस, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक से जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।